नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मकर संक्रांति को लेकर बिहार में एक अलग तरह का उत्साह बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में दही चूरा के भोज को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि पटना के तिलकुर दुकानों में कारीगर पूरे दिन काम कर रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर इस बार पटना में मीठापुर, राजेंद्र नगर, कंकरबाग, कदमकुआं चौक, चौलीटार, बाकरगंज के साथ पटना में करीब 70 से अधिक जगहों पर तिलकुर बन रहा है। दुकानदारों ने बताया कि तिलकुर बनाने के लिए सफेद तिल कानपुर, डेल्टागंज और गुजरात की ऊझा मंडी से मंगाया जाता है। काला तिल गुवाहाटी से और सिल्लीगुड़ी से आता है। पटना का बाकरगंज का नटराज गली में तिलकुर का बड़ा बाजार है। यहाँ कई दशकों से तिलकुर बनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन तिलकुर खाने का विधान है। सर्द मौसम आते ही इसकी मांग बढ़ जाती है। मकर संक्रांति के दिन सामान कम न पड़ जाए, इसलिए ज्यादा मात्रा में स्टॉक तैयार किया जा रहा है। नटराज गली के तिलकुट व्यापारियों का कहना है कि यहाँ 70 साल से तिलकुट का व्यवसाय चल रहा है। महंगाई का असर तिलकुट की कीमत पर भी पड़ा है। आपको बताते चले कि तिलकुट 600 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। तिलकुट को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। करीब 10 मिनट तक तिलकुट को कूटा जाता है, फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। कई सालों के बाद इस बार तिलकुट की बिक्री बढ़ गई है। दिन रात लगातार तिलकुट बनाया जा रहा है ताकि स्टॉक की कमी ना हो इस बार। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों से भी तिलकुट की मांग ज्यादा हो गई है। पटना के बोरिंग रोड भी कई दुकानों में तिलकुट तैयार किया जा रहा है। अलग अलग वैरायटी की तिलकुट बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि तिलकुट पीठा, पापड़ी, टिकरी, पराठा, कटोरी, खोवा, किसमिस व खोवा मिश्रित के तिलकुट के साथ तिल के लड्डू, चीनी के साथ गुड़ और खजूर गुड़ वाले तिलकुट की मांग बढ़ी हुई है। इस बार बाजार में चीनी की जगह गुड़ से बने तिलकुट की ज्यादा मांग हो रही है। इसी के साथ आपको बताते चले कि पटना में जितनी भी दुकानें हैं सब में तिलकुट बन रही है और ज्यादा से ज्यादा बिक रही है, क्योंकि बिहारवासी जा रहे हैं और खरीद रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद ये मौका मिला है और ये बहुत ही मायने रखा जाता है बिहार में ये पर्व, इसलिए तिलकुट की बिक्री ज्यादा हो गई है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।